नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आप सबको बालों में तेल लगाने के बारे में कुछ विशेष बातें बतलाने वाली हूँ। बहुत सारे प्रश्न आते हैं और मेरी जानकारी में जितनी है, क्योंकि मैं चूँकि आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ, इसलिए मैं आप सबको बहुत सारी विशेष बातें बतलाती रहती हूँ जो बहुत ही सही है। इस पर आप लोग भरोसा करें, मैं आपको बिल्कुल नेचुरल चीज़ बतलाती हूँ, कोई इधर उधर की बातें नहीं। जो सही है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बतला दूँ कि बालों में तेल कब लगाना चाहिए। आपने देखा होगा, पहले ज़माने के लोगों को देखिए, अपनी दादी नानी मम्मी वगैरह को देखिए, वो लोग क्या करती हैं, बाल धोती हैं सुबह में, उसके बाद पूरे दिन उसे अच्छी तरह से सुखाती हैं, फिर शाम में वो अपने बालों में तेल लगाएंगे, उसे अच्छी तरह से बाल को झाड़ कर और बांध कर छोड़ देती हैं। अब फिर वो हो सकता है अगले दिन ना धोएं, उसके अगले दिन अपना बाल धोएंगी, उसके बाद फिर से तेल लगाएंगी शाम में अच्छी तरह से। लेकिन बाल को सुखाना बहुत ज़रूरी है। बाल को अगर आपने अच्छी तरह से नहीं सुखाया है तो आपके स्काल्प में परेशानी आ जाएगी। तो सबसे पहले जब हम बाल धोते हैं तो उसे खूब अच्छी तरह से सुखाएंगे। सुखाने के बाद ही हम ऑयल लगाते हैं। ऑयल कब लगाते हैं, तो अब शाम में, पहले के जब मैंने तो शुरू से अभी तक देखती आई हूँ मैं कि लोग क्या करते हैं, शाम में अच्छी तरह से जब बाल सूख जाता है तब तेल लगा करके और उसके बाद चोटी बांध लेते हैं। उस बाल को बहुत ज़्यादा खोल करके, पूरे दिन वो लोग सुखाने के लिए खोल कर छोड़ती हैं, सूख जाता है उसके बाद वो तेल लगा करके छोड़ देती हैं। उनके बाल देखिए कितने लंबे समय तक काले रहते हैं, घने भी रहते हैं, लंबे भी रहते हैं, उनके बालों में प्रॉब्लम नहीं आती। तो एकदम नेचुरल सा चीज़ है जो हम लोग शुरू से देखते आए हैं, बाल एकदम अच्छा रहता है। तो तेल जो होता है वो बाल का टॉनिक होता है, ये आपके स्काल्प में कभी भी परेशानी नहीं आने देता है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं। तेल तो आपके स्काल्प को कभी भी खराब होने नहीं देता है, इसलिए तेल तो ज़रूर लगाना चाहिए। आप भले ही एक दिन छोड़ करके तेल लगाएं, जिस दिन आप अपने बाल साफ करते हैं उस दिन आप ऐसा करें कि सुबह में जब हम, जैसे बाल साफ करना है हमें 10 बजे, तो 8 बजे आप तेल लगा करके छोड़ दें। आप जब सो के उठते हैं आप अपने बालों में खूब अच्छी तरह से तेल लगा लें, तेल लगा करके और अच्छी तरह से बांध कर छोड़ दें। थोड़ी ही देर के बाद वो क्या होगा कि अपने आप पूरे स्काल्प को वो फुला करके छोड़ देगा। उसके बाद आप चाहें रगड़ कर अपने स्काल्प को साफ कर लें, शैम्पू कर लें। जो मैंने तो शैम्पू भी नेचुरल आप सबके साथ शेयर किया है, आप उतना भी नहीं कर पाते तो सिर्फ रीठा से शैम्पू तैयार कर लें, रीठा को फुला लें, झाग बना करके अपने बालों को धो दें तो भी आपके बाल अच्छे रहेंगे। आप रीठा आंवला सिकाकाई का बना सकते हैं, आप सिर्फ आंवला और सिकाकाई से शैम्पू बना सकते हैं, लेकिन आंवला सिकाकाई का शैम्पू ऑयल को नहीं हटा सकता है, वो 2-3 दिन लेगा हटाने में, इसलिए उसमें हम रीठा मिलाते हैं। रीठा सोप का काम करता है और वो नेचुरल सोप है, तो आप नेचुरल शैम्पू से अपने बाल को धो लें। जब आप ऑयलिंग करते हैं उसके बाद आप रीठा आंवला सिकाकाई के शैम्पू से अपने बालों को धो लें। बस यही जान लें कि तेल लगाना है। आप भले ही नहाने के 1 घंटा पहले, आधे घंटा पहले तेल लगाएं, लेकिन लगा करके ही अपने बालों को धोना है। बस इतना ही ध्यान रखें, ये आपके बालों का टॉनिक है, ये आपके स्काल्प को सुरक्षित रखता है, हर तरह की परेशानी से सुरक्षित रखता है, इसलिए हमें तेल लगाना है। और साथ ही साथ जब हम धोते हैं बाल को तो बाल को खूब अच्छी तरह से सुखाना है, बिना सुखाए हम उसे कभी नहीं बांधेंगे। अगर आप बाल को नहीं सुखाते हैं अच्छी तरह से तो आपके स्काल्प में परेशानी आती है, कुछ भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाल सूखा नहीं है इसलिए होता है, इसलिए खूब अच्छी तरह से बाल को सुखाना है। उसके बाद अब मैं आपको बतला दूं कि लोग पूछते हैं कौन सा तेल लगाएं, तो सबसे अच्छा तेल होता है जो सीधा निकल कर आता है, जो भी तेल का चीज़ है, तिल है, नारियल है, सरसों है, जो भी है, उससे जब सीधा तेल निकल के आया, सिर्फ फिल्टर किया हुआ तेल जो होता है वो लगाना सबसे अच्छा होता है। अब उसके बाद अपनी मर्जी है, कोई आंवला का तेल लगाए या फिर जिंजर ऑयल लगाए, जो भी ऑयल लगाए, एलोए ऑयल लगाए, जैसा भी ऑयल लगाता है वो आपकी मर्जी है। अब उसे तैयार करना है तो कैसे करें, तो एक तो तेल तो बना करके मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, जिंजर ऑयल बनाना बहुत ही आसान है, झट से बन जाता है।
या फिर आंवला का ऑयल तो थोड़ा टाइम लेता है बनने में, उसको बहुत समय चाहिए होता है। मैंने बहुत ही नेचुरल तरीके से आप सबके साथ आंवला का तेल बनाना बतलाया है। वो आंवला का तेल वास्तव में जो आयुर्वेद में बनता है उसमें लोग पाउडर यूज़ करते हैं, पाउडर को पानी में डालते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर उसको छानते हैं, फिर तेल के साथ मिक्स करते हैं, और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बतलाया है। इस तरीके से सीधा मैंने आंवला से तेल बनाना बतलाया है, तो वो आप बना करके देखें, बहुत ही सही तरीका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के प्रोसेस सारे से में बस मैंने पाउडर की जगह पर साबुत आंवला ले लिया है, इतना ही है। अब दूसरा तरीका क्या है कि तेल को हम पका करके बनाते हैं, एक तो है जो मैंने दो वीडियो आप सबके साथ शेयर किया है। उतना भी नहीं करने की इच्छा हो तो आप सीधा क्या करें, आंवला है उसको ग्रेट करें, उसका जूस निकालें, या अदरक है उसको ग्रेट करें, पीस लें, या दोनों को चाहें तो दोनों को एक साथ पीस लें, जो भी चीज़ आपके पास है, अदरक है, आंवला है, एलोवेरा है, जो भी चीज़ है सबको पीस लें, सबका जूस निकाल लें, उसके साथ तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अपने बालों में सीधा भी लगा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आंवला है, अदरक है, आपको जिसका भी तेल बनाना है, कड़ी पत्ता है, तो इन सबको पीस लें, पीस कर जूस निकाल लें, जूस निकाल करके तेल के साथ मिक्स करके और एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में कपड़ा लपेट कर तेल उसके अंदर, तेल और जूस को भर के धूप में छोड़ दें। द बेस्ट तरीका मैं आपको बतला रही हूँ तेल तैयार करने का, बिल्कुल नेचुरल तेल तैयार करने का। आप इस तरह से भी आप अपने बालों के लिए तेल तैयार करके अपने बालों में लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बिल्कुल नेचुरल, जो कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और एकदम नेचुरल है, आपके बालों को भी अच्छा रखेगा। और कुछ नहीं है तो सीधा तेल लगाएं, कोई परेशानी और झमेला लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जो आपके पास तेल है, तिल ऑयल है या कोकोनट ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, उसे आप अपने बालों में लगा सकते हैं। बस यही है कि तिल ऑयल और कोकोनट ऑयल को बहुत ज़्यादा प्रिफर किया जाता है लगाने के लिए बालों में। सरसों का तेल थोड़ा स्मेल भी इसका बहुत हार्ड होता है, साथ ही साथ ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे सर्दियों में अपने बालों में लगाना प्रिफर करते हैं। जहाँ लोग सरसों खाते हैं वहाँ भी लोग सरसों का तेल ठंडे में सर्दियों में लगाना पसंद करते हैं, ये गर्म होता है इस कारण, तो ज़्यादातर लोग तिल का तेल या नारियल का तेल लगाना ही पसंद करते हैं। लेकिन सीधा निकला हुआ, इसका जो सोर्स है उससे सीधा निकला हुआ जो तेल होता है उसका कोई प्रोसेसिंग नहीं, बिना प्रोसेस किया हुआ तेल आप अपने बालों में लगाएं, तभी ये आपके लिए अच्छा होता है।